हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चैप्टर लॉज ऑफ मोशन लेक्चर नंबर 8 फॉर क्लास 11th। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन। आज हम उसी को और आगे प्रोसीड करते हैं। तो मैंने दो टाइप के न्यूमेरिकल आपके सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे करवा दिए थे, तीन टाइप और होती हैं, उन तीन में से दो इम्पोर्टेंट हैं और एक ज़्यादा ही हायर लेवल की है। तो ज़्यादा हायर लेवल की है उसको हम वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि थोड़ी सी क्रिटिकल प्रॉब्लम्स हैं। फेस टू फेस क्लासेस लगेंगी, अब तो शायद बहुत जल्द लगने वाली हैं, तो उन्हीं में हम डिस्कस करेंगे उन प्रॉब्लम्स को। बाकी दो टाइप हैं उनको मैं डिस्कस कर देता हूँ। देखिए, एक टाइप क्या होती है, इस तरह से अपने पास कोई सरफेस है और इस सरफेस पे दो ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। एक तो ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं ये। तो यहाँ पे हुए दो ऑब्जेक्ट, इसका मास ले लेता हूँ मैं 2 kg और इसका ले लेता हूँ 5 kg, एंड नेट फोर्स 20 N इज अप्लाइड। ऑन 2 kg ऑब्जेक्ट, ड्यू टू विच द 2 kg ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स एक्सेलरेटिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस विद एन एक्सेलरेशन ऑफ ए। किस एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होना शुरू हो जाता है? ए से, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ये ए एक्सेलरेशन से मूव होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आपकी आ जाती हैं कई बार। तो ऐसी प्रॉब्लम्स में आपसे वो फोर्सेस पूछ लेता है, जैसे यहाँ पे दो सरफेस कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं 2 kg और 5 kg, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ये 2 kg वाला इस पे लगाएगा जिसका नाम N1 रहेगा, और ये 5 kg वाला 2 kg पे लगाएगा। तो दोनों सेम हैं तो इसको भी क्या नाम देना पड़ेगा? N1 नाम देना पड़ेगा। इतना ही नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ये इस पे लगाएगा, इतना ही नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ये इस पे लगाएगा, इफ द सरफेस इज फ्रिक्शनलेस। अगर सरफेस कैसा हुआ? फ्रिक्शनलेस। तो फॉर्मूला क्या होता है? एफ नेट इज इक्वल टू एम नेट इंटू एक्सेलरेशन, और वी कैन से एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ नेट अपॉन में एम नेट। क्लियर है? तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हो। कैसे? एफ नेट कितना है? 20 N। इसके अलावा कोई फोर्स है ही नहीं भैया, तो आपस में कैंसिल हो गए, N1 इधर और N1 इधर। चलिए, तो इसका तो रोल प्ले होगा नहीं, एक्सेलरेशन में ये कोई रोल अपना नहीं दिखाएगा। तो यहाँ पे एफ नेट हो गया 20 अपॉन एक्स मास। मास कितना है? टोटल मास, मास नेट लेना है तो कितना लेना है? ये जैसे मैं ये लिख रहा हूँ ना, ऐसे लिखता हूँ एफ नेट, ये जो नेट है ये इसके पैरों में लिखा जाएगा। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे एम नेट, तो ये नेट इसके पैरों में लिखा जाएगा ऐसे ही, एम नेट बेस जिसको हम बोलते हैं ना, इस फॉर्म में लिखा जाएगा ये। तो ये आ गया आपका फोर्स लगा 20 N, और ये आपका 2 + 5 = 6। तो ये आ गया आपके पास एक्सेलरेशन। क्या आ गया? 3.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरह से ये प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं। तो ऐसे ही और क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत सारे अगर ब्लॉक्स ऐसे रख दिए जाएं, तो क्या होगा? जैसे एक ये रख दिया, दूसरा ये रख दिया, तीसरा ये, 2 kg, 5 kg और 13 kg। इस तरह से ये ऑब्जेक्ट मैंने रख दिए, सम फोर्स ऑफ 50 N इज अप्लाइड ऑन दिस, देन फाइंड एक्सेलरेशन एंड इट्स डायरेक्शन, इफ द सरफेस इज फ्रिक्शनलेस। सरफेस कैसा है? फ्रिक्शनलेस, और क्वेश्चन है ये, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच द
ऑफ ईच ऑफ द बॉक्स, सभी की क्या निकालनी है, फाइंड एक्सेलरेशन ईच ऑफ द बॉक्स। तो 2 kg, 5 kg और 13 kg, तो ये तो आप बता ही दोगे कि सभी की सेम एक्सेलरेशन रहेगी, कितनी रहेगी, फॉर्मूला a इज इक्वल टू एफ नेट अपॉन में एम नेट आंसर हो जाएगा, सभी को मेरे पास शेयर करना है। चलिए अगली टाइप हम देख लेते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है अगली टाइप, जो कि बहुत से एग्जाम्स में पूछी जाती है, और वो आपकी क्या होती है एक बार देख लेते हैं, वो आपकी होती है टेंशन से रिलेटेड और स्ट्रिंग से रिलेटेड, इसी तरह की। वैसे हाँ वो तो मैं करवा चुका है ना, स्ट्रिंग वाली, टेंशन वाली, जिसमें टी निकालना होता था और एक्सेलरेशन निकालना होता था, हाँ हो चुकी। तो अगली टाइप देख लीजिए, अगली जो टाइप है वो मान के चलिए कि लास्ट टाइप आपकी रहेगी। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे एक पुल्ली लगाई गई है, पुल्ली का मतलब सभी समझते होंगे, सभी की देखी हुई है, एक चक्कर सा होता है, उसके ऊपर रस्सी लगा के उसको ऐसे ऐसे खींचते हैं ना, जैसे ये आजकल क्या आती है जो आपकी देखी हुई मिलेंगी, लोरिंग मशीन आती है ना, तो कुएं में ऐसी मोटर निकालने वाली जो मशीन आती है उसमें लगी होती है, ऐसे चकली जिसको आप बोलते हो ना, वही है ये। इसके ऊपर एक स्ट्रिंग इधर है, चलो बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा, इसके ऊपर एक स्ट्रिंग इधर है और एक स्ट्रिंग है इधर, दोनों के ऊपर अलग अलग मास है, इस पे मास मान लिया M1 और इस पे मास मान लिया M2, क्लियर। और गिवन क्या है, जो आपकी पुल्ली इज मास लेस एंड फ्रिक्शन लेस, जो आपकी पुल्ली है वो मास लेस एंड फ्रिक्शन लेस है, जो पुल्ली है वो आपकी मास लेस एंड फ्रिक्शन लेस है, समझ गए ना, यानी पुल्ली का रोल यहाँ पे कुछ ज़्यादा है नहीं, केवल और केवल ये इसको फ्री मूव कर रही है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आपसे पूछा गया फाइंड एक्सेलरेशन एंड इट्स डायरेक्शन, फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, ऑल्सो फाइंड टेंशन फोर्स इन द स्ट्रिंग, ऑल्सो फाइंड टेंशन फोर्स इन द स्ट्रिंग, इस तरह का क्वेश्चन आपका बहुत बार पेपर में आता है, तो ये आपको करना है, क्लियर। तो तरीका जहाँ पे भी ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले तो मैं क्या कर देता हूँ, यहीं पे बता देता हूँ आपको, टेंशन इधर भी होगी और टेंशन इधर भी होगी, यहाँ से घूम के एक ही स्ट्रिंग इधर आ रही है, इसका मतलब टेंशन दोनों पे सेम होगी, इसलिए मैंने टी नाम दिया। नीचे इसके ऊपर जो फोर्स होगा वो होगा M2G और इसके ऊपर नीचे की तरफ होगा M1G। अब बात आती है एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन हम नहीं बता सकते कि इस डायरेक्शन में होगी जब तक कुछ गिवन ना हो, तो हम केस फर्स्ट लेते हैं, केस फर्स्ट इफ़ M2 इज ग्रेटर देन M1, अगर M2 की वैल्यू M1 से ज़्यादा रहेगी देन एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड फॉर M2 ऑब्जेक्ट एंड अपवर्ड फॉर M1 ऑब्जेक्ट, क्लियर। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, एक्सेलरेशन कहाँ होगी, डाउनवर्ड रहेगी। देखिए अब जिसके कारण एक्स, नोट कर लीजिए, जिसके कारण एक्सेलरेशन है सबसे पहले उस फोर्स को लिखेंगे, जिसके कारण एक्सेलरेशन होगी सबसे पहले उसी फोर्स को लिखेंगे, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स पॉजिटिव लिए जाएंगे, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स पॉजिटिव लिए जाएंगे और एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन के फोर्स नेगेटिव होंगे, एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन के फोर्स नेगेटिव होंगे। नाउ ड्रॉ द FBD ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स, तो M1 का FBD अगर मैं बनाना चाहूँ तो यहाँ पे है M1, नीचे है M1G
ऊपर की तरफ देखा जाए तो टेंशन फोर्स है और साथ में एक्सेलरेशन है, लेकिन इस M1 के कारण ये एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन तो M2 के कारण है ना, क्योंकि इसका मास ज़्यादा है इसलिए इसने इसको भी ऊपर की तरफ उठा दिया। तो पहले मैं इसका और फ्री बॉडी डायग्राम बना देता हूँ। M2 ऊपर की तरफ T, नीचे की तरफ M2 G, क्लियर, और एक्सेलरेशन कहाँ है, नीचे की तरफ। तो मैंने कहा जिसके कारण एक्सेलरेशन किसके कारण है, M2 के कारण। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स तो होंगे पॉजिटिव और इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो होंगे वो होंगे नेगेटिव। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या लिखूँ मैं, ये क्या होगा M2 into A, ये भी एक टाइप का फोर्स है ना, F is equal to ma। अब नीचे की तरफ इस डायरेक्शन में कौन लग रहा है, M2G ये ले लिया पॉजिटिव, इसके अपोजिट में जो है वो ले लिया मैंने नेगेटिव, क्लियर। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नेम दे देंगे। उसके बाद आ जाइए इसके ऊपर, अब यहाँ पे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है नीचे की तरफ, देखिए ये वाले जिसके कारण एक्सेलरेशन डायरेक्शन वो लेके आएंगे, तो किसको पॉजिटिव ले किसको नेगेटिव ले, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अभी मैंने नोट भी डलवा दिया आपके पास, फिर भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। तो इसमें भी ऐसा ही कर देते हैं भाई, एक्सेलरेशन तो हो तो रही है, इसमें कहाँ हो रही है, ऊपर की तरफ, तो मैं तो ले लेता हूँ इसी को। एम वन ए इज इक्वल टू ऊपर की तरफ क्या है, टेंशन, ये तो आएगा पॉजिटिव, नीचे की तरफ क्या है, एम वन जी, ये आएगा नेगेटिव। देखिए यहाँ पे एम टू जी, इसकी डायरेक्शन नीचे थी, इसको लिया पॉजिटिव एम, और यहाँ पे एम वन जी, इसकी डायरेक्शन भी नीचे लेकिन इसको लिया नेगेटिव, है ना, थोड़ा सा डिफरेंस। हाँ बस यही याद रखना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये मेरे पास दो इक्वेशन है और दो इक्वेशन में दो वेरिएबल हैं, आपको आता है ना दो इक्वेशन दो वेरिएबल को सोल्व करना, तो इजीली आप इसको यहाँ से सोल्व कर सकते हो, यहाँ से आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हो। इसके अलावा और कोई मेथड है क्या इसको सोल्व करने का, है ट्रिक है इसकी, शॉर्ट ट्रिक है, ऐसे क्वेश्चन की ट्रिक होती है। ट्रिक क्या है, शॉर्टकट ट्रिक क्या है, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला एक्सेलरेशन का होता है एफ नेट अपॉन में एम नेट, लेकिन जो एफ नेट है दैट इज एक्सटर्नल ओनली, फोर्स कौन सा लेना है, एक्सटर्नल ओनली। यहाँ पे हम जो एफ नेट है, एफ और उसके पैरों में नेट, एम और उसके पैरों में नेट, एफ नेट कौन सा लेना है, ओनली एक्सटर्नल, और मास जो भी है वो तो सारा ही होगा, इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो। तो अब मैंने यहाँ पे लिख दिया एफ नेट, एफ नेट का मतलब है एक्सटर्नल, टोटल एक्सटर्नल फोर्स। तो यहाँ पे जो टेंशन होता है ना वो इंटरनल फोर्स होता है, टेंशन क्या होता है, इंटरनल फोर्स होता है, टेंशन क्या हुआ, इंटरनल फोर्स हुआ। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, एफ नेट अपॉन में एम नेट। तो फोर्स तो दो लग रहे हैं यहाँ पे, एक तो लग रहा है एम टू जी और एक लग रहा है एम वन जी। तो एम टू जी पॉजिटिव लेना है, एम वन जी क्या लेना है, नेगेटिव। अगर इसको ऐसे करके देखें अलग अलग, तो एक्सेलरेशन देखिए, इस स्ट्रिंग को ऐसे पकड़ के ऐसे कर दीजिए, पुल्ली को हटा दीजिए, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एम वन, और इसके ऊपर इधर फोर्स जो है वो क्या आएगा, एम वन जी, इधर आपका टेंशन, चलो ऐसे कर देता हूँ, इसके लिए टेंशन इधर आएगा। उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट है ये वाला एम टू, इसके ऊपर जो फोर्स है इधर वो कितना है, एम टू जी, और इसकी टेंशन आएगी इधर, तो टेंशन हुआ ना इंटरनल फोर्स, तो इसका तो कोई रोल होगा नहीं। अब एक्सेलरेशन की इधर बताई है, इधर तो एक्सेलरेशन इधर बताई है, तो एम टू जी क्या आएगा नेट फोर्स की जगह पे, ए इज इक्वल टू एम टू जी, और इसका अपोज कौन कर रहा है, एम वन जी अपोन में एम नेट, एम नेट कितना हुआ,
एम वन प्लस एम टू, एम वन प्लस एम टू, दैट इज द शॉर्टकट ट्रिक। ये इसकी शॉर्टकट ट्रिक है, जिसमें आपको ये याद रखना पड़ेगा कि इंटरनल फोर्स कौन होते हैं और एक्सटर्नल कौन से होते हैं। तो पहले कि इसका पता लगाना पड़ेगा आपको एक्सटर्नल फोर्स का। खत्म कहानी इसकी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं अब एक, जिसमें न्यूमेरिक वैल्यू गिवन होंगी और कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। एक ऐसा ही क्वेश्चन कर लेते हैं जिस तरह का हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा है। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया था आपका, आया हुआ क्वेश्चन है ये आपका एनडीए के एग्जाम में। ये है 4 kg, ये है 2 kg और इस साइड में है 5 kg, इस साइड में है 5 kg। देन गिवन है इफ पुल्ली इज मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस देन फाइंड ए एंड इट्स डायरेक्शन इफ जी इज इक्वल टू 10 m/s². ये था क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया था पेपर में। तो इजी है, डायरेक्ट ट्रिक से भी हो सकता है। ट्रिक क्या थी, ए इज इक्वल टू एफ नेट, ए इज इक्वल टू एफ नेट अपॉन एम नेट। ये था आपके पास शॉर्टकट ट्रिक का फॉर्मूला। शॉर्टकट ट्रिक कैसे होती है, यही थी, एफ नेट अपॉन में एम नेट। एफ नेट कितना हुआ, 4 + 2 = 6 kg एक डायरेक्शन में, और इधर ये 5 kg, तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन किधर होगी, इस डायरेक्शन में होगी। सपोज वो एक्सेलरेशन कितनी होगी, ए होगी। तो ए इज इक्वल टू एफ नेट लिया, तो एफ नेट की वैल्यू क्या आएगी, 2 + 4 = 6g, 6g माइनस, ये क्या है, ये इसका क्या करेगा अपोज, वो ये ऐसे करके देख लो, चाहे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ये है 5 kg, ये क्या करेगा इसका अपोज, तो यहाँ पे क्या कर दूंगा, 5g अपॉन एम नेट, 2 + 4 + 5 कितना हो गया, 6 और 5 = 11। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 60 - 50/11 इज इक्वल टू, ये आ गया आपका 10/11 m/s². डायरेक्शन मैंने बता दिया आपको, ये आ गया है आपका एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 10/11 m/s². क्लियर है। चलिए एक टाइप और देख लेते हैं, लास्ट टाइप आपकी रहेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे ही टाइप, इसके अलावा एक टाइप और होती है जिसमें पुल्ली भी आपकी मोशन में होती है, वो भी एक्सेलरेट करती है। वो टाइप और बचेगी जिसको मैंने कहा है फेस टू फेस क्लासेज में ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि कंडीशन कुछ क्रिटिकल बन जाती हैं वहाँ पे। कभी पुल्ली के एक्सेलरेशन को पॉजिटिव लेना पड़ता है, तो कभी नेगेटिव लेना पड़ता है, वो कंडीशंस थोड़ी सी क्रिटिकल बनेंगी, इसलिए उसको क्लास में डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन, अब की बार बहुत ईजी सा क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन कुछ ऐसा आया था, यहाँ पे 5 kg है और यहाँ पे लगा दी उसने पुल्ली और ये टाई कर दिया इसके साथ और नीचे लगा दिया 10 kg। इफ़ द सरफेस एंड पुल्ली आर फ्रिक्शनलेस एंड पुल्ली इज ऑल्सो मासलेस, पुल्ली कैसी फ्रिक्शनलेस एंड मासलेस, और ये सरफेस है इन कॉन्टेक्ट, ये भी आपका कैसा है फ्रिक्शनलेस, कोई फ्रिक्शन नहीं, कोई रुकावट इसके अंदर नहीं है, बिल्कुल स्मूथ सरफेस है। देन फाइंड एक्सेलरेशन एंड इट्स डायरेक्शन। तो एक्सेलरेशन और इसकी डायरेक्शन निकाल दीजिए, एक्सेलरेशन और इसकी डायरेक्शन निकाल दीजिए, तो हो जाना चाहिए इजीली। वही फॉर्मूला, ए इज इक्वल टू एफ नेट अपॉन एम नेट, विच इज इक्वल टू एफ नेट, दैट इज नेट एक्सटर्नल फोर्स, नेट
एक्सटर्नल फोर्स। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या रहेगा आपका, नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या रहेगा वो यहाँ पे यूज कर देना है। एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा, फाइंड एक्सेलरेशन एंड शेयर विद मी, मेरे से शेयर करना है। चलिए अब हम शुरू करते हैं, एक टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये पहले न्यूटन्स थर्ड लॉ कर लें, चलो न्यूटन्स थर्ड लॉ कर लेते हैं, नोट कर लीजिए, न्यूटन्स थर्ड लॉ नोट कर लीजिए। एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट। एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट। ये तो था न्यूटन्स का थर्ड लॉ। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लीजिए, नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसमें फर्स्ट पॉइंट नोट कीजिए, एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इन पेयर्स। एक्शन एंड रिएक्शन और आल ऑलवेज इन पेयर, यानी ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक्शन हो जाए रिएक्शन ना हो या रिएक्शन हो जाए एक्शन ना हो, ये हमेशा ही केस में आते हैं, पेयर में होते हैं। सेकेंड पॉइंट लिखिए, एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज। एक्शन एंड रिएक्शन, अभी समझाएंगे सारी चीजें, एक्शन एंड रिएक्शन और आर एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट, एक्शन एंड रिएक्शन पेयर आर ऑफ सेम नेचर। एक्शन एंड रिएक्शन पेयर्स आर ऑफ सेम नेचर। एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑफ सेम नेचर। और लास्ट लिखिए, फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। उसके बाद नोट कीजिए, सम इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस और इलस्ट्रेशन ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इन आवर डेली लाइफ। सम इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन लिख लीजिए, यानी अपनी डेली लाइफ में हमें न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहाँ कहाँ पे देखने को मिलता है। तो सबसे पहला देखिए, बहुत इजी सा एग्जांपल, अगर कोई सपोज अपने पास बॉल है, उसको अगर मैं किसी हाइट से ड्रॉप कर दूं, तो फ्लोर के टकराने के बाद वो ऊपर की तरफ वापस जाती है। फ्लोर के टकराने के बाद वो ऊपर वापस जाती है। तो नोट कीजिए, नोट कर लीजिए, When a ball is dropped from some height, it rebounds after striking against the floor. अब देखिए, ये तो ठीक है कि बॉल जब पड़ेगी तो वो उससे फोर्स, जो आपका फ्लोर है उसके ऊपर फोर्स लगाएगी, उसको हम एक टाइप का बोल लेंगे, या तो एक्शन या रिएक्शन, और दूसरे टाइप का जो फोर्स
आपका फ्लोर उसके ऊपर लगाएगा वो। तो जो इस तरह के एग्जांपल्स होते हैं उसमें आपसे पूछा जाता है कि इसमें एक्शन और रिएक्शन को सेपरेट सेपरेट कीजिए, यानी बताइए एक्शन कौन है और रिएक्शन कौन है। तो पहले जो होता है वो एक्शन होता है, बाद में जो होता है वो रिएक्शन होता है। तो ऑब्जेक्ट का गिरना जिसकी वजह से क्या लगा, फ्लोर के ऊपर एक फोर्स लगा, किसने लगाया, उस ऑब्जेक्ट ने लगाया, वो होता है एक्शन। ऐसा करने के बाद फ्लोर ने क्या किया, उसको वापस रिबाउंड किया, उसको क्या बोलते हैं, रिएक्शन। तो यहाँ पे कोई ये कहे कि एक्शन और रिएक्शन को अलग अलग कीजिए, तो क्या करोगे, फोर्स अप्लाइड बाय द बॉल ऑन द फ्लोर इज एक्शन एंड फोर्स अप्लाइड बाय द फ्लोर ऑन बॉल इज रिएक्शन फोर्स, इज रिएक्शन फोर्स। ये आपको पता होना चाहिए, नोट कर लीजिए एक्शन और रिएक्शन को सेपरेट सेपरेट। नेक्स्ट, न्यूटन्स थर्ड लॉ हेल्प्स इन वॉकिंग, न्यूटन्स थर्ड लॉ हेल्प अस इन वॉकिंग, चलने में न्यूटन्स लॉ हमारी मदद करता है। तो क्या होता है, देखिए अगर कोई भी आदमी आगे की तरफ चलेगा, आगे की तरफ इस तरफ चलेगा, तो अपने पैर से यहाँ पे फोर्स लगाएगा ना, ऐसे पैर है यानी ऐसे, तो वो क्या करेगा, इसके ऊपर जब फोर्स लगाएगा तो ये ऐसे इसका पैर होता है, तो फोर्स लगाएगा तो वो इसको इस डायरेक्शन में क्या करता है, पुश करता है, क्या करता है, इस डायरेक्शन में पुश। तो पहले जो हुआ वो क्या होता है, एक्शन फोर्स, और ये क्या करेगा, इसका अपोज करेगा, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, तो इधर क्या होगा आपका, बिल्कुल इसका अपोजिट, ऐसे ये क्या होगा आपका, रिएक्शन फोर्स। नोट कीजिए, ए पर्सन वॉक्स ऑन ग्राउंड, ए पर्सन वॉक्स ऑन ग्राउंड कोमा, ही पुशेज द ग्राउंड विद हिज फिट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन बाई प्रेसिंग द ग्राउंड, इन द बैकवर्ड डायरेक्शन बाई प्रेसिंग द ग्राउंड। दिस पुश इज नोन एज एक्शन फोर्स, दिस पुश इज नोन एज एक्शन फोर्स। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एंड इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एक्ट्स ऑन फुट ऑन द पर्सन, फुट ऑन द पर्सन। अब एक चीज नोट कर रहे हो, यहाँ पे एक्शन, एक्शन फोर्स अलग ऑब्जेक्ट पे लग रहा है हमेशा, रिएक्शन फोर्स हमेशा ही अलग ऑब्जेक्ट पे, नोट करते जाना। ये भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखवाए थे न्यूटन थर्ड लॉ में, वो सारे के सारे यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको। नेक्स्ट, न्यूटन्स थर्ड लॉ हेल्प्स स्विमर टू स्विम, एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्या, स्विमर जो फोर्स वाटर पे लगाएगा वो एक्शन, और वाटर उसको अपोजिट डायरेक्शन में पुश करेगा वो रिएक्शन फोर्स, अपने आप करना एक्शन और रिएक्शन। नेक्स्ट, व्हेन ए पर्सन जंप आउट फ्रॉम द बोट, व्हेन ए पर्सन जंप आउट फ्रॉम द बोट मूव्स बैकवर्ड, द बोट मूव बैकवर्ड ड्यू टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट, ए बोटमैन पुशेस द रिवर बैक विद बंबू पोल, विद बंबू पोल टू टेक हिज बोट इन टू द रिवर, नेक्स्ट इट इज डिफिकल्ट टू ड्राइव ए नेल, इट इज डिफिकल्ट टू ड्राइव ए नेल इन टू ए वुडन ब्लॉक विदाउट होल्डिंग द ब्लॉक, विदाउट होल्डिंग द ब्लॉक। नेक्स्ट, लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट, नेक्स्ट मोशन ऑफ व्हीकल
एटसेट्रा एटसेट्रा। क्लियर है? तो नेक्स्ट ये जो प्रॉब्लम्स आपकी हो चुकी हैं बुक के हिसाब से प्रॉब्लम अब आएंगी, लेकिन मैंने साथ साथ आपको ये करवा दिया था जो भी आपके फ्री बॉडी डायग्राम वगैरह होते हैं। ये नेक्स्ट आपका आएगा अपरेंट वेट ऑफ ए पर्सन इन लिफ्ट और एलिवेटर और ए वेइंग मशीन इन एलिवेटर। अगर एक वेइंग मशीन को एलिवेटर में रख दे उसके ऊपर खड़े हो जाएँ, जो लिफ्ट जिसको हम बोलते हैं, तो ऊपर भी जाती है नीचे भी आती है, तो किस कंडीशन में आपका एक्शन फोर्स ज़्यादा होगा, किस में रिएक्शन फोर्स ज़्यादा होगा, किस में जो वेट है आपका वो रियल के साथ वैरी करेगा, जो रियल वेट है उसके कंपैरिजन में कम और ज़्यादा दिखेगा, यानी वेइंग मशीन रीडिंग कब एक्चुअल दिखाएगी, कब एक्चुअल से ज़्यादा दिखाएगी, कब एक्चुअल से कम दिखाएगी, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो बहुत ही ईजी है। आप जितना मैंने करवा दिया है इसको कंप्लीट कर लीजिए, आपके पास टाइम है आज का और कल का। कल सभी बच्चे मेरे पास से जहाँ तक हो गया या आज ही इसको कवर करके और मेरे पास से शेयर करें कि आपका कुछ पार्ट बचा हुआ तो नहीं है। अगर कोई भी टॉपिक या कोई भी चैप्टर आपका अगर बचा हुआ है तो आप मेरे से उसकी पीडीएफ ले सकते हैं। तो लेकिन मैं ग्रुप में पीडीएफ नहीं डालूंगा, जिस जिस बच्चे को ज़रूरत है वो मेरे पास मैसेज करे, अपना नाम लिखे, रोल नंबर लिखे और मैं उसके पास वो पीडीएफ सेंड कर दूंगा। लेकिन होमवर्क आज और कल की डेट में, यानी कल मैं नया वीडियो नहीं डालूंगा, आज वाला वीडियो अपना कवर करें और आज और कल का जो दिन है इसमें अपना पीछे का वर्क अगर बचा है तो कंप्लीट करें। अगर किसी का कंप्लीट है तो बहुत ही अच्छी बात है, वो अपने बुक के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ट्राई करें, कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे से शेयर करें। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक्स।